इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान और इसराइल के माबैन ताल्लुकात कायम करने के लिए बानी पीटीआई को मौजूद तरीन शख्सियत करार दिया है। इसराइली अखबार में मजमून में लिखा गया कि अगर इसराइल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बानी पीटीआई आज़ाद हो और पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लें। खबर आपको दे रहे हैं इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान और इसराइल के माबैन ताल्लुकात कायम करने के लिए पीटीआई को मौजूद तरीन शख्सियत करार दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी मतीन हैदर साहब। जी मतीन हैदर साहब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, इसराइल के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया। अखबार में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी, खास तौर पर जमाए में गोल्ड स्मिथ से इज़दवाजी ताल्लुक एक हकीकत है। इसराइली अखबार के मुताबिक यही करीबी ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतल्लिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बानी पीटीआई के ब्रादर निस्पति जैक गोल्ड स्मिथ का यहूदी और इसराइली हमायती बासर मगरबी हलकों से करीबी ताल्लुक है। अखबार का कहना है कि जैक गोल्ड स्मिथ का सेहोनी और इसराइली नवाज लॉबी से करीबी ताल्लुक ने बानी पीटीआई को भी इसराइल पर एक दूसरा मुस्बत रवैया दिया। अखबार के मुताबिक रैक गोल्ड स्मिथ के हक में मेयर लंदन इलेक्शन के दौरान पाकिस्तानी नजाद मुसलमान सादिक खान की मुखालफत बानी पीटीआई के गोल्ड स्मिथ खानदान और इससे मुंसरिक सहूनी नेटवर्क से वफादारी साबित करती है। अखबार ने कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में खारजा ताल्लुकात के लिए कैसे नुक्ते नजर की निशानदेही की गई थी, जिससे वाजे हुआ कि बानी पीटीआई इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौकफ का असर नौ जायजा लेने के लिए तैयार थे। मजमून में मजीद लिखा गया कि इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगाम भिजवाए, जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। वाजे रहे कि बानी पीटीआई की हुकूमत में कौमी असम्बली के फ्लोर पर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाली एक खातून रुकन असम्बली ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बहाल करने पर दलाइल भी दिए थे। इरशाद करता पैगामात में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल और मजहबी वाबस्तगी को एतदाल पर लाने से मुतल्लिक अपनी कोशिशों का जिक्र किया गया। इसराइली अखबार ने जोर दिया कि इसराइल और इसके इत्तेहादियों को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि बानी पीटीआई दोबारा पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। पाकिस्तानी माशरे में बानी पीटीआई के लिए यह मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। अखबार के मुताबिक सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक सेहोनी लाबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी हैं। जी